हे गाइस, वेलकम टू बूस्ट अप। आज है 14 जुलाई और मैं आ चुका हूँ डेली वोकैब वाले सेशन में आप लोगों के लिए डेली वोकैब लेके। तो चलते हैं आज के पहले वर्ड पे। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है सेटबैक। सेटबैक का मतलब क्या होता है? नाकामयाबी, कोई भी चीज़ फेल हो जाना, ठीक है, या हर्डल हो जाना। हर्डल मतलब क्या होता है? एक बाधा उत्पन्न हो जाना, स्टॉप हो जाना कोई भी चीज़, ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिकमैनशिप का मतलब होता है अस्थिरता, कोई भी चीज़ अनस्टेबल हो जाए उसको कहते हैं हम लोग ब्रिकमैनशिप, ठीक है, इनस्टेबिलिटी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिसिप्लाइस, इसका मतलब होता है करारा, कोई भी चीज़ करारा जैसे होता है ना, करारा जवाब दिए, या कोई भी चीज़ डीप हो सकता है इसका सिनोनिम डीप, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग प्रिसिपिस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिपिक्शन, डिपिक्शन का मतलब होता है चित्रण, यानी क्या हुआ, किसी चीज़ को नरेट कर दिए, किसी चीज़ को किसी को समझा दिए, ठीक है, कोई भी चीज़ को नरेट कर देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनॉग्रेट, इनॉग्रेट मतलब होता है किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करना, उद्घाटन करना, इंस्टॉल कर देना कोई चीज़ का, जैसे किसी शॉप का उद्घाटन हो रहा है उसको वहाँ पर इनॉग्रेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विहेस्ट, विहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा, या कोई ऑर्डर कमांड हो सकता है इसका सिनोनिम्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब होता है दरार, जैसे क्या होता है, दो आदमी के बीच में दरार हो गया तो उसको हम लोग रिफ्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं, या उसको अनबन कहा जा सकता है, ठीक है, वो वाला रिफ्ट होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनरैक्ट, इनरैक्ट का मतलब होता है खफा, किसी से गुस्सा हो जाना, एंग्री हो जाना, खफा हो जाना, उसके लिए इनरैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है व्यर्थ हो जाता है, यूजलेस जिसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा आज का फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, मतलब कोई भी चीज़ कितना आप सहन कर सकते हैं उसको फॉरबियरेंस कहते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सेंटेंस आप लोग ज़रूर बनाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।